किरण जी, औरोबिंदो फार्मा 20% की तेजी पर है और अब 600 के लेवल टच कर रहा है। वागले साहब से हमने सुबह पूछा तो उन्होंने बोला था 630 के बाद ही वो स्टॉक में इंटरेस्ट लेंगे, पर एक बहुत ही बड़ी रैली आई है एक ही दिन में औरो फार्मा में। फंडामेंटली तो न्यूज पॉजिटिव है, क्या टेक्निकली भी अब कह सकते हैं कि ये स्टॉक पॉजिटिव ही रहेगा? दीपांशु, बिल्कुल बहुत अच्छा स्ट्रेंथ निकल गिरा था नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये अभी जो ऑप्शन फिगर 600 का है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, जो 11,30,000 शेयर इस लेवल पे है, तो इधर थोड़ा सा रुकावट की दौर चल सकता है, पर मेरा मानना है कि अंडर करंट काफी स्ट्रांग है। आपको पोजिशनली ये लॉन्ग पोजिशन रखने चाहिए। 580 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि जो करंट मोमेंटम है ये 650-660 तक ले जा सकता है इस स्टॉक को। ओके किरण जी, वॉकहार्ट पर एक कॉल। देखिए, वोखार्ड पे जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि एक रेंज में ही है। अभी भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो 400 का है वो जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक कोई बड़ी मूव नहीं देखने मिलेगी, और इसमें 340 को बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनके लिए 335 का स्टॉप लॉस रहेगा, और फ्रेश पोजीशंस ऐड न करने की सलाह है अभी के लिए, क्योंकि रेंज बाउंड है ये। नेक्स्ट ब्रेकआउट के बाद हम इस पे ध्यान देंगे, और नेक्स्ट ब्रेकआउट आता है वो है करीबन 412 पे, तो 412 के ऊपर ही बाय करने की सलाह है फ्रेश अगर बाय करना है तो। ओके, किरण जी को पूछ लूं क्या? किरण जी, चार्ट वार्ट देख लीजिए जरा, बीएल के ठीक ठाक है ना? बीएल के एक अच्छा बेस बिल्डिंग 80 रुपए पे हो चुका है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे अनिल जी, इसने डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन किया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। अभी इसमें दिक्कत एक ही है कि ये जो पहला रेजिस्टेंस है 87-88 का, ये क्रॉस करना चाहिए। ये अगर क्रॉस करता है तो फिर 95 के भाव आ जाएंगे, फिर मुझे लगता है कि आशु जी के रडार पे आ जाएगा। प्रेस्टीज के चार्ट्स, किरण जी। मूव दिलाता नजर आ रहा है, जिस तरीके से प्रेस्टीज ने एक अप मूव पहले ही दिया था, मेरा मानना है कि ये कंटिन्यू होता नजर आ जाना चाहिए, और अभी के लिए जो कंसोलिडेशन का हायर एंड है वो 383-390 के लेवल्स है, वो नेक्स्ट टारगेट के लेवल्स मान के चलने चाहिए। लॉन्ग पोजीशंस के लिए 356 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो पुणे का स्टॉक है। ये सवाल तो किरण जी के लिए भी बनता है। किरण जी बताओ। अनिल जी, आज ना इसमें वॉल्यूम्स थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं, यही एक कारण है कि इसमें मैंने दिया नहीं है, और वैसे भी ये स्टॉक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बैठ नहीं रहा है अभी के लिए, तो इसलिए ये दो कारण है कि अभी मैंने बाय करने की सलाह नहीं दी।